रैपिड एक्शन फोर्स ने पठारी थाना सहित नगर का भ्रमण किया। इस दौरान फोर्स के सदस्य पूरी तैयारी के साथ नजर आए। इसी के चलते पठारी थाना प्रांगण में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें रैपिड एक्शन फोर्स के 60 सदस्य दल ने पठारी थाना प्रभारी दीपक राठौर एवं पुलिस से मुलाकात की। उसके बाद अपने परिचय अभ्यास के लिए निकल गए। रैपिड एक्शन फोर्स के इस परिचय अभ्यास के आयोजन की जानकारी देते हुए सह कमांडेंट प्रभांशु प्रभाकर ने बताया कि कमांडेंट मनोज गुप्ता के निर्देशानुसार रैपिड एक्शन फोर्स का 60 सदस्य दल विदिशा जिले का परिचय अभ्यास करने के लिए यहाँ आया हुआ है। 6 नवम्बर से 11 नवम्बर तक क्षेत्र में रहेगा। जिले के सभी थानों में कर परिचय अभ्यास किया जाएगा। उन्होंने बताया कि परिचय अभ्यास के दौरान इलाके की जनसंख्या, साक्षर लोगों की संख्या, समुदाय दृष्टि से संवेदनशील इलाकों तथा बलवाइयों की सूची तैयार की जाएगी। विदिशा से आशीष सहले की रिपोर्ट। 160 बटालियन रैपिड एक्शन फोर्स भोपाल के कमांडेंट श्री मनोज गुप्ता के निर्देशानुसार ये विदिशा जिले में एक रैपिड एक्शन फोर्स का फॉर्मेशन प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिसके तहत हमें जिले के विभिन्न थानों में जाकर भ्रमण करना, वहाँ की ज्योग्राफिकल और डेमोग्राफिक जानकारी, जनसंख्या के बारे में, वहाँ की कम्युनल हिस्ट्री, वहाँ पे कभी दंगे वगैरह हुए, इन सब की जानकारी एकत्रित करना है। इसके तहत हम आज 3 थाने कवर करेंगे, जिसमें ग्यारसपुर, हैदरगढ़ और पठारी थाना है। हम अभी पठारी थाने पे आए हुए हैं, यहाँ की हमने जो भी जानकारी है वो एकत्रित कर ली। आगे हमें इसी तरह पूरा एक हफ्ते का हमारा प्रोग्राम है, जिसमें हम डेली 2 या 3 थानों को कवर करते हैं। साथ ही साथ हम यहाँ के मुख्य अधिकारियों जो कि विदिशा में हैं उनसे भी मुलाकात करते हैं, या कि राजनीतिक या धार्मिक कोई भी वर्चस्व वाले व्यक्ति हैं उनसे भी जाके हम मुलाकात करते हैं, ताकि अगर भविष्य में कभी भी दंगे की सिचुएशन निर्मित होती है इस डिस्ट्रिक्ट में, तो हम जल्दी से जल्दी पहुंच के उस दंगे पे कंट्रोल पा सकें। यही रैपिड एक्शन फोर्स का मोटो होता है कि हम कम से कम फोर्स का प्रयोग करके जल्दी से जल्दी दंगों पर कंट्रोल कर सकें। इसी कड़ी में हम आगे भी 3-4 दिन और दूसरे थानों में जाके भ्रमण करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 News। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।